वहाँ पे मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो मुंह की प्रतिमा साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस। ये ना पूरा मेरे को लगता है ना पूरा बिहार शरीफ का सबसे टॉप पंडाल यही है, क्योंकि मैं भैंसासुर सोच रहा था, लेकिन जितना बनाने में ये वाला पंडाल को मेहनत लगा होगा ना, स्त्री मूर्ति वाला मुंगेर से और बाकी जो पंडाल बना कोलकाता से, कलकत्ता का सब, कितना भयानक मंदिर है यार ये, मतलब बहुत ही भयानक मूर्ति है यहाँ पे काली माता का। तो ये कुछ रोड जाम हो जाता है यार यहाँ पे, देख रहे हो, तो यहाँ से कुछ ऐसा सीन आता है, आगे एक साइड आओगे ना तो भाई मतलब देख लो ये काली माता का, और दिन के टाइम में अंदर आओगे ना तो कुछ ऐसा मिलेगा गाइस, लाइक। जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव, कैसे हो आप लोग, आई होप आप लोग बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे और हमारे वीडियो देख रहे होगे। सो गाइस आज आप लोग को बिहार शरीफ का सारा पंडाल दिखाने वाले हैं, जो भी अच्छा अच्छा टॉप टॉप पंडाल होगा ना वो भी दिखाएंगे, प्लस जो भी छोटा सा ही पंडाल होगा ना उनको भी दिखाने वाले सारे पंडाल। तो ये वीडियो काफी मिक्स वाला वीडियो होने वाला है, काफी लेटेस्ट, काफी जो अभी तक का ना कोई पंडाल नहीं दिखाया होगा ना वो भी पंडाल आपको दिखाने वाले हैं। तो ये वीडियो काफी ज्यादा बेहतर होने वाला है। सो गाइज आप लोग को जो भी हमारे चैनल पर नए बंदे आओ ना प्लीज गाइज वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो अभी यहाँ से निकलते हैं और फिर वीडियो करते हैं स्टार्ट गाइज। तो ऐसा लंबा होगी गाइज वीडियो, तो वीडियो को भाई लंबा होगी ना, जब फुल डिटेल में वीडियो बनाएंगे तो लंबा तो होगी। तो चलो अभी अपन लोग आ चुके हैं साठोपुर, और फिर साठोपुर यहाँ पे काली माता बैठे हैं। यहाँ पे अभी तो फिलहाल गोद भराई का काम चल रहा है, क्योंकि इस टाइम लेडी लोग सारे लोग गोद भराई का काम करते हैं, मतलब गोदी भरते हैं। गोदी भरना मतलब आप लोग जानते हो, जो भी लेडीज होंगे ना, लड़की लोग होंगे ना, वो जानते हो। तो यहाँ पे कुछ ऐसा दुर्गा माता बैठे हैं, आप लोग अंदर के साइड दिखाओ ना, तो कुछ इस प्रकार है गाइस, ये देखो कुछ ऐसा पंडाल है अंदर, और अभी गोद भराई यहाँ पे हो रहा है, आप लोग देख सकते हो कुछ ऐसा पंडाल है साठोपुर का। अभी फिलहाल अपन लोग साठोपुर में ही है, और अभी आगे चलते हैं ना, तो साठोपुर में दो दो पंडाल बना, एक आगे की साइड वहाँ पे पंडाल बना, तो वहाँ भी चलते, वहाँ भी आपको दिखाते हैं काली माता का पंडाल। ये देख रहे हो साठोपुर का फ्लाईओवर है गाइस, ये पुल है, पहले बहुत ही छोटा था, नीचे के साइड में था, अभी देखो कितना भयानक रोड बन गया यहाँ पे, काफी चौड़ा हो गया, काफी अच्छा देखने में भी लगता है। और सामने की साइड एक और दुर्गा जी का पंडाल, मैं अभी आपके पंडाल के पास जाके दिखाता हूँ गाइस। तो फाइनली गाइस अभी काली माता के पंडाल के पास आ चुके, और फिर यहाँ से अंदर आओगे ना तो कुछ ऐसा सीन है, बाहर के साइड ही देखो तो काली माता का बहुत ही विकराल रूप वाला बैनर लगा हुआ। तो गाइस देख सकते हो सामने के साइड से कितना विकराल रूप लग रहा है काली माता का, बाहर से दिया हुआ ऐसे बैनर टाइप का दिया हुआ, और फिर अंदर के साइड देखो ना तो काली माता का मूर्ति है, प्लस यहाँ पे भी गोद भराई हो रहा है, जो भी लेडीज लोग है ना वो लोग गोदी भरते हैं। तो अभी अंदर की साइड आपको दिखाते हैं गाइस, कुछ ऐसा सीन है अंदर, अंदर आओ ना तो कुछ ऐसा सीन है, ये देखो अभी गोदी यहाँ पे भर रहे हैं और यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं, और सामने की साइड देखो काली माता को, भाई कितना भयानक मंदिर है यार ये, मतलब बहुत ही भयानक मूर्ति है यहाँ पे काली माता का। तो ये कुछ ऐसा है गाइस, साठोपुर के पास से बिल्कुल पंचानी नदी का बगल में ही है गाइस ये पंडाल, तो आप लोग यहाँ भी एक बार आना और फिर यहाँ भी घूम सकते हो गाइस। अभी अपन लोग आ चुके देवी सराय, और फिर देवी सराय में देखो ना तो कुछ ऐसा पंडाल यहाँ पे लगा है दुर्गा माता का, आप लोग देख सकते हो अभी गोदी भराए का ना इतना ज्यादा भीड़ चल रहा है ना गाइस, ये बता ही नहीं सकते, अंदर की साइड बहुत ही ज्यादा भीड़ है, आप लोग देख सकते हो। ये देवी सराय का दुर्गा माता का पंडाल है, और फिर मैं अभी आपको अंदर के साइड जाके दिखाता हूँ, तो कुछ ऐसा पंडाल है गाइस, यहाँ से एंट्री कुछ ऐसा है, और फिर अंदर जाओगे ना तो कुछ अंदर का सीन कुछ ऐसा है, मैं ये देख सकते हो ऐसा पंडाल है अंदर के साइड, सारा भी गोदी भर रहा है इस टाइम, देख सकते हो पूजा ये सब कर रहे हैं सारे लोग, और सामने गाइस हम लोग आ चुके हैं मंगला स्थान, और फिर मंगला स्थान में देखो ना तो कुछ इस प्रकार डेकोरेशन हो रखा, और फिर इधर के साइड मूर्ति बैठे है दुर्गा माता का, जो कि अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ और दिखाता हूँ। यहाँ पे भीड़ काफी ज्यादा आप लोग देख सकते हो, और फिर यहाँ पे देखो यहाँ भी गोद भराई अभी हो रहा है, इस टाइम इतना ज्यादा भीड़ है ना गाइस की बता ही नहीं सकते यार, क्योंकि इस टाइम गोदी भरने का टाइम है ना, तो बहुत ही ज्यादा भीड़ है। और फिर आप लोग देख सकते हो गाइस ऐसा दुर्गा माता यहाँ पे बैठे हैं, और पंडाल कुछ इस प्रकार बना है गाइस। तो ये अपना मंगला स्थान जगह का पंडाल है गाइस, आप लोग देख सकते हो कुछ ऐसा है, आगे के साइड से उधर से भी आने का रास्ता है, और इधर से भी, तो अपन लोग बाईपास से ही आए क्योंकि अभी अपने को सोहन कुआं जानी है, तो अभी यहाँ से निकलते हैं और सोहन कुआं चलते हैं गाइस, वहाँ का भी पंडाल आपको दिखाते हैं अभी। चुके सोहन कुआं, और यहाँ पे पंडाल देखो ना तो काफी अच्छे तरीके से बने, लाइक मैं अभी आपको सामने से दिखाता हूँ पंडाल, आप लोग देख सकते हो गाइस कुछ ऐसा पंडाल बना है, ऊपर की साइड देख रहे हो फुल पंडाल कैसा, कितना मस्त वाला पंडाल है गाइस। और इसके अंदर जाके ना अभी हम आपको दिखाने वाले, यहाँ भी पूजा पाठ हो रही है, गोद भराई जो होता है ना वही यहाँ पे भी हो रही है, तो अभी मैं आपको अंदर जाने वाला दुर्गा माता का दर्शन करवाता हूँ। तो यहाँ से कुछ ऐसा जाने का रास्ता, अंदर भी आप लोग देख सकते हो पूजा हो रहा है, यहाँ पे चप्पल खोलो और फिर देखो कुछ ऐसा एंट्री, ऊपर की साइड देख सकते हो माँ का दरबार, यहाँ से आप लोग अंदर जाओगे ना तो अभी अंदर पूजा हो रहा है अंदर की साइड, और फिर यहाँ देख सकते हो दुर्गा माता को कुछ ऐसा है, और फिर यहाँ पे पूजा पाठ भी हो रही है अभी,
तो ये अपना सोहन कुआं का ये पंडाल है, आप लोग देख सकते हो बहुत अच्छा पंडाल है सोहन कुआं का। तो यहाँ भी आ सकते हो गाइस घूमने के लिए, क्योंकि काफी अच्छा जगह है, काफी अच्छा पंडाल भी है। तो कुछ ऐसा पंडाल था गाइस, और अभी यहाँ से निकल के ना आपको और भी सारा पंडाल दिखाते हैं, बट ये पंडाल काफी अच्छा लग रही है अपने को, तो काफी अच्छा लग रही है, देख सकते हो ऊपर के साइड। गाइस अभी अपन लोग आ चुके हैं रामचंद्रपुर, और फिर यहाँ पे आप लोग देखो ना मछली मार्केट बिल्कुल पास में ही, और यहाँ पे अपना देखो गोवर्धन पर्वत जो कि कान्हा जी उठाए हुए एक उंगली से वो है, और फिर ऊपर में देखो दुर्गा माता का जो भी है मूर्ति है ऊपर, और फिर नीचे कृष्ण जी का ये देखो गोवर्धन पर्वत जो कि एक उंगली से उठाए हुए है, उन्हीं का सिंबल देखो यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ भी पूजा कर रहे हैं, और फिर यहाँ पे मैंने बोला था ना उस टाइम कि पानी यहाँ पे होगा नीचे में, और फिर यहाँ पे पानी है गाइस, और ये देख सकते हो ऊपर से जो भी पानी गिर रही है ना वो इसी वाले नीचे में गिर रही है इसमें, ये देखो मैंने बोला था ना वही, और फिर यहाँ पे देखो कान्हा जी को एक उंगली से बिल्कुल जो पर्वत उठाया हुआ ना वही है, और फिर ऊपर के साइड दुर्गा माता का बना हुआ है ऊपर साइड देख सकते हो गाइस। तो अभी भी यहाँ पे पूजा पाठ हो रही है, बोध भराई का काम चल रहा है गाइस, तो अभी भी यहाँ पे गाइस अभी अपन लोग आ चुके हैं नाला रोड, और फिर सामने के साइड देख सकते हो आप दुबई का शिव मंदिर जिनका वेस्ट पे बना हुआ पंडाल है, दुबई का शिव मंदिर पे का वेस्ट पे, और सामने के साइड देख सकते हो काली माता और पंडाल देखो ना, तो दुबई का जो शिव मंदिर है ना बिल्कुल मिलता जुलता सेम वही पंडाल बनाया गया है शिव मंदिर के आधार पर ही, और सामने एक साइड देखो काली माता बिल्कुल विराजमान है, और ये बन के बिल्कुल ही रेडी हो चुका है। जब अपन लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे वीडियो बनाए थे ना उस टाइम बना नहीं था, उस टाइम स्टार्टिंग ही चल रहा था, अभी बनने के बाद कुछ ऐसा सीन आ रहा है गाइस, देख सकते हो ऊपर के साइड पंडाल और फिर नीचे के साइड देखो ना, तो अभी सारे लोग पूजा ही कर रहे हैं, गोद भराई का भी यहाँ भी काम चल रहा है, क्योंकि सारे लेडी लोग होते हैं ना वो यहाँ पे गोद भराई इस टाइम करते हैं, शाम तक चलेगी ये सब प्रक्रिया। ये देख सकते हो सामने के साइड काली माता, तो कुछ ऐसा सीन है गाइस बिल्कुल ही खुला खुला सा, और फिर बीच में एक पंडाल जो कि काफी अच्छा पंडाल है, पूरा खुला खुला सा एरिया और बीच में एक छोटा सा पंडाल जो कि दुबई का शिव मंदिर के बेस के आधार पे यहाँ पे बनाया गया है। आज अभी हम लोग भराव पे आ चुके हैं, और फिर यहाँ पे देखो ना तो कुछ ऐसा पंडाल है भराव पर का, इसके पिछला वाला वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन आज फिर से आपको अच्छे से पंडाल ये दिखा देते हैं, तो जो भी दिखाया हुआ पंडाल ना वो तो आपको डिटेल में बताया होगा, बट फिर भी बता देना, तो ये गुफा टाइप का बनाया हुआ है जिसमें बर्फ ऐसा वाला गुफा टाइप का होता है ना जिसमें नुकीला नुकीला सा चट ऊपर से लटका हुआ रहता है वही टाइप का इसमें है, आप लोग देख सकते हो सामने के साइड, और यहाँ पे भी पूजा हो रहा है लाइक गोद भराई का काम यहाँ पे भी हो रहा है, और सामने के साइड देख सकते हो दुर्गा माता, और ऊपर के साइड देखो व्यू गाइस काफ़ी अच्छा सा व्यू है, और यहाँ पे पूजा कर रहे हैं सारे लोग अभी, और ये दुर्गा माता कुछ ऐसा है लाइक यहाँ भी पूजा हो चुका है, हो रहा होगा पहले से शायद सुबह से ही कंप्लीट कर लिए होंगे सारे लोग पूजा। तो यहाँ से आगे आप लोग जाओगे ना तो लहेरी थाना के पास भी बहुत अच्छा सा एक पंडाल है, वो भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि उस दिन रात में मैंने ना कल रात में आपको नहीं दिखा पाए थे, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ लहेरी थाना के पास का पंडाल अभी गाइस। तो यहाँ से सामने जाओगे ना तो आपको बिल्कुल वहाँ पे मिलेगा लहेरी थाना के पास बिल्कुल ही एक अच्छा सा पंडाल है, वो भी आपको दिखाते हैं अभी। तो गाइस यहाँ पे पंडाल है, और फिर यहाँ पे देख सकते हो जाम कैसे इसी टाइम लग चुका है, और फिर यहाँ पे ना बिल्कुल ही स्टॉप कर दिया गया है, क्योंकि सारे लोग कार ये सब लेके घुस जाते हैं ना, तो बाइक तो चलता है लेकिन फोर व्हीलर ये सब बिल्कुल ही नहीं चलेगा गाइस, इसी कारण से जाम लगने के कारण यहाँ पे रोक दिया गया, बांस लगा दिया गया, प्लस यहाँ पे देखो ना तो लहेरी थाना के बिल्कुल बाजू में ही ये वाली पंडाल है दुर्गा माता का, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अभी भी यहाँ पे पूजा कर रहे हैं सभी जो भी माताएं हैं बहनें सारे यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, और सामने एक साइड देखो ना दुर्गा माता का प्रतिमा कुछ ऐसा है, पंडाल भी कुछ ऐसा काफ़ी अच्छा सा है, ऊपर के साइड देख रहे हो लाइट सब अभी भी जल रहा फैन चल रहा, और ये दुर्गा माता बैठे प्लस वहाँ पे पांड्या जी पूजा कर रहे हैं। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं गगन दीवान, और फिर यहाँ का पंडाल अभी आपको दिखाते हैं जो कि बहुत ही भव्य और बहुत ही अच्छा पंडाल बन के रेडी हो चुका है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये गगन दीवान, और फिर यहाँ से आप लोग एंट्री लोगे ना तो कुछ ऐसा पंडाल दिखेगा, और फिर यहाँ के साइड आप लोग देखो ना तो अंदर के साइड दुर्गा माता का बैठे दुर्गा माता अंदर के साइड यहाँ पे, तो कुछ ऐसा है आप लोग देख सकते हो एक गगन दीवान के दुर्गा माता है गाइस, तो कुछ ऐसा अभी भी यहाँ पे पूजा पाठ चल रही है हर जगह ना, जो भी पंडाल जाओ ना वहाँ पे पूजा चल ही रही है अभी, तो देख सकते हो ये गगन दीवान का पंडाल है गाइस, और फिर अभी हम लोग गगन दीवान के पास हैं, और इससे आगे जाते और भी अच्छा अच्छा पंडाल दिखाते हैं, तो बस वीडियो में बने रहना गाइस, जो भी यहाँ तक देख रहे हो ना वो प्लीज गाइस वीडियो में बने रहना, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और ये पंडाल है ना बहुत ही अच्छा अच्छा पंडाल अभी आपको दिखाने वाले, तो बस वीडियो में बने रहना गाइस। तो अभी चलते हैं और फिर आपको दूसरा पंडाल दिखाते हैं, कुछ ऐसा बाहर का सीन आ रहा था गाइस। अभी हम लोग आ चुके हैं मेहर पर, और सामने की साइड देखो मेहर पर का पंडाल कुछ ऐसा है, और अंदर की साइड देखो ना तो दुर्गा माता काफ़ी अच्छा मूर्ति यहाँ पे प्रतिमा है दुर्गा माता का, और सामने की साइड देख सकते हो अभी यहाँ भी पूजा हो रहा है, और ये देख रहे हो फौजी ये सब का यहाँ पे पंडाल लेके बनाया गया है मूर्ति, ये देख रहे हो सामने की साइड दुर्गा माता, और फिर यहाँ पे फौजी का कुछ सीन दिया हुआ है,
और यहाँ पे देखो सारे लोग अभी पूजा पाठ ही कर रहे हैं। तो ये मेहरपुर का पंडाल है गाइस, जिससे आगे जाएंगे ना तो और भी अच्छा पंडाल है, वो भी अभी आपको दिखाते हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं मथुरिया मोहल्ला, और फिर मथुरिया मोहल्ला का दुर्गा पंडाल दिखाते हैं और दुर्गा जी का मूर्ति दिखाते हैं गाइस। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सामने के साथ लिखा हुआ भी है, महिला और पुरुष का लाइन अलग अलग है। तो अभी चलते हैं और फिर यहाँ से पुरुष का ही लाइन से चलते हैं अंदर, और फिर आपको दिखाते हैं यहाँ का दुर्गा माता का पंडाल। तो यहाँ से जाओगे ना तो ये मथुरिया मोहल्ला का यहाँ पे भी दिखा रहा है आपको दुर्गा माता का पंडाल। लाइक ये मंदिर, ये मंदिर में यहाँ पे पूजा किया जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हो दुर्गा माता को, ये मंदिर ही था शायद पीछे के साइड होंगे, और फिर ये मूर्ति बैठाया गया है। लाइक आप देख सकते हो गाइस कैसा मूर्ति है दुर्गा माता का। और अपना कबूर्दीगंज का पंडाल है, जैसा कि मैंने जब जिस टाइम बन रहे थे ना, जिस टाइम मूर्ति सिर्फ बैठ चुके थे, सजावट नहीं हुई थी, उस टाइम आपको दिखाए थे, और उसके बाद आज डायरेक्ट आपको दिखा रहे हैं पर्दा हटने के बाद। तो ये अपना कबूर्दीगंज का ये पंडाल है गाइस, कुछ ऐसा सीन है। और फिर यहाँ पे देखो ना तो दुर्गा माता उस टाइम तो सजे नहीं थे, लेकिन अभी देखो गाइस सज धज के तैयार, कितना प्यारा था, कितना प्यारा सा मूर्ति लग रहा है, गोल्डन गोल्डन सा। मैंने उस टाइम भी आपको दिखाया था गोल्डन गोल्डन सा ही थे, और अभी देखो अभी सजने के बाद कितना प्यारा सा लग रहा है एकदम पंडाल यहाँ का। सो कुछ ऐसा है ये कबूर्दीगंज का पंडाल है गाइस, आप लोग देख सकते हो कुछ ऐसा पंडाल बन के बिल्कुल ही रेडी हो चुका है। तो अभी अपन लोग यहाँ से निकलते हैं और कबूर्दीगंज के बाद डायरेक्ट आपको पोस्ट ऑफिस मोड़ पे मिलते हैं, और पोस्ट ऑफिस मोड़ का भी आपको पंडाल दिखाते हैं गाइस। अभी आ चुके अपन लोग पोस्ट ऑफिस मोड़ के पास, बिल्कुल ही अपना नालंदा महिला कॉलेज के सामने में ही। तो ये है अपना पोस्ट ऑफिस मोड़, और फिर यहाँ का मैंने स्टार्टिंग में जिस टाइम बन रहे थे ना उसी टाइम आपको दिखाए थे। तो अभी बन के कम्प्लीट हो चुके हैं, और फिर यहाँ पे पर्दा भी खुल चुका है, और फिर इधर गोद भराई चल रहा है, इधर भी सारे लोग गोद भराई कर रहे हैं। और फिर ये दुर्गा माता का कुछ पंडाल ऐसा है गाइज, आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार पंडाल बन के हुआ है तैयार। तो ये अपना पोस्ट ऑफिस मोड़ के बिल्कुल ही पास में है, पोस्ट ऑफिस मोड़ पे ही है। ऊपर की साइड देखो ना तो कुछ ऐसा डेकोरेशन है, प्लस सामने की साइड देखो ना तो पूरा कवर करके रखा हुआ, और फिर यहाँ पे अपना दुर्गा माता यहाँ पे विराजमान है और सारे लोग पूजा कर रहे हैं। तो अभी यहाँ से निकलते और फिर आगे साइड चलते हैं, और फिर अगला अपन लोग सोच रहे हैं पुल पर का दिखाए, बट थोड़ा बहुत दिखाएं क्योंकि वो तो देखा हुआ ही था, लेकिन कल अपन लोग दिखाए थे ना उस टाइम पर्दा लगा हुआ था, तो अभी पर्दा हट चुका है। तो चलते पुल पर, उसके बाद गढ़ पर, ये सब सारा जगह पंडाल दिखाते हैं गाइस। अभी हम लोग आ चुके चौक बाजार, जो कि पुल पर से राइट साइड में आप जाओगे ना तो इधर चौक बाजार मिलेगा, और वहाँ पे आ चुके हैं। और फिर यहाँ का पंडाल ना काफी अच्छा लग रहा है, प्लस देखो ना या तो यहाँ पे दुर्गा माता ऊपर की साइड बैठे हुए हैं, रोड से बिल्कुल आप सामने की साइड निकल जाओगे और फिर ऊपर की साइड देखो ना तो दुर्गा माता विराजमान है यहाँ पे। तो ये चौक बाजार का ये पंडाल है गाइस, और फिर आगे जाओगे ना तो एक और पंडाल है, तो वो भी पंडाल अभी आपको दिखाते हैं। और उसके बाद अभी अपन लोग आ चुके हैं घंटी गली के पास, और फिर यहाँ पे आपको घंटी गली का दुर्गा माता को दिखाते हैं। तो चलो अभी चल रहे हैं रास्ते में, और फिर डायरेक्ट पंडाल के पास जाते हैं और फिर आपको मिलाते हैं। तो ये देखो घंटी गली क्यों इसको बोलते हैं ना, तो यहाँ पे सारा जगह देखो घंटी लगाया हुआ है, और फिर सामने की साइड देखो ना तो आगे एक साइड ये घंटी गली का कुछ पंडाल है। तो अभी मैं आपको पंडाल से डायरेक्ट पंडाल के पास ही जाके वीडियो स्टार्ट करता हूँ गाइस। सो गाइस ये घंटी गली का पंडाल है, देख सकते हो बजरंगबली उड़ के जा रहे हैं, और फिर यहाँ पे सारा दाना भी ये सब देख रहे हो, राक्षसनी इसको बोलते हैं। और फिर यहाँ अभी हम लोग आ चुके पुल पर, और फिर पुल पर का पंडाल देखो ना आप लोगों को तो पहले ही दिखा दिए थे ऊपर से पंडाल सारा। तो अभी मैं ना अंदर के साइड जाता हूँ और फिर आपको मूर्ति दिखाता हूँ। फिलहाल पंडाल तो आप लोगों ने कल ही देख लिया था, और पहले भी आपको हमने पंडाल दिखा दिया था। तो अभी मैं अंदर चलता हूँ और फिर अंदर आपको मूर्ति भी दिखाते हैं गाइस। तो यहाँ से अंदर आओगे ना तो आपको कुछ ऐसा मूर्ति मिलेगा, लाइक भाई मतलब कल तो पर्दा खुला ही नहीं था ना, उस टाइम अपन लोग वीडियो बना के चले गए थे, बट अभी देखो खुलने के बाद कैसा सीन आ रहा है। अंदर के साइड देख रहे हो दुर्गा माता को, और प्लस ऊपर के साइड देखो ना तो लाइट वाइट शाम का टाइम में काफ़ी अच्छा लगता है, चमकता दमकता लाइट, और फिर यहाँ पे अपना दुर्गा माता विराजमान है। तो ये पुल पर का पंडाल है गाइस, और अभी हम लोग चल रहे हैं गढ़ पर, और फिर गढ़ पर का भी पंडाल आपको दिखाएंगे, फिर अड्डा पर बहुत जगह का पंडाल दिखाना अभी आपको। तो बस वीडियो में बने रहना गाइस, और भी अच्छा अच्छा पंडाल है जो कि अभी आपको हम दिखाने वाले हैं। तो रोड का डेकोरेशन कुछ ऐसा हो रखा है खंडक पर का, मतलब पुल पर से खंडक पर की तरफ घुसोगे ना तो कुछ ऐसा डेकोरेशन है, और आगे जाओगे ना तो एक और पंडाल अभी देखने को ऐसा मिल रहा है कि एक और पंडाल आगे है खंडक पर से पहले ही। तो आपको वो भी पंडाल दिखाते हैं, और फिर इधर का मार्केट सुबह के टाइम कुछ ऐसा है गाइज, लाइक इस प्रकार कुछ मार्केट है, और हम लोग बाइक से जा रहे हैं, लाइक देख सकते हो आप लोग गाइज। तो ऐसे ही बाइक से हम लोग जा रहे हैं, और आगे साइड देखते एक और पंडाल है, ये भी पंडाल अभी आपको दिखाते हैं भाई। सो फाइनली भाई अभी ये पंडाल पे आ चुके हैं, खंडक पर से बिल्कुल ही थोड़ा सा पहले आपको ये पंडाल दिखेगी, और फिर ये पंडाल कुछ ऐसा है, लाइक इधर से आपको कुछ ऐसा मिलेगा,
और फिर अंदर जाओगे तो दुर्गा माता का भी मूर्ति भी दिखाते गाइस अंदर के साइड जाके। तो यहाँ से एंट्री लोगे ना तो कुछ ऐसा सीन है गाइस, कुछ ऐसा दिखेगा जो कि काफी ज्यादा मस्त है एकदम। बहुत ही अच्छा सा पंडाल भी, ऊपर की साइड भी देखो ना, काफी अलग सा ही पंडाल दिखेगा एकदम। तो ये सामने दुर्गा माता विराजमान है और फिर यहाँ गाइस अभी अपन लोग एंट्री ले चुके खंडक पर और फिर यहाँ पे देख रहे हो कुछ इस प्रकार डेकोरेशन है गाइस। ऊपर के साइड देखो ना तो कुछ अलग ही लेवल का डेकोरेशन लग रहा है देख रहे हो, और नीचे के साइड से दोनों साइड से एकदम फैन वैन चारों तरफ से दिया हुआ, ऊपर के साइड चिड़िया लाइट से जलता हुआ, जब रात में होगी ना तो रात में लाइट जलेगी ना चिड़िया के पास चिड़िया में तो और भी ज़्यादा बेहतरीन लगेगा, बहुत ही अच्छा ये लगेगा। प्लस यहाँ पर अपना पंडाल है गाइस, तो ये देख लो ये अपना दुर्गा माता का पंडाल है गाइस, खंडक पर का सबसे टॉप पंडाल में अपन लोग एंट्री ले रहे हैं। और फिर ये देख सकते हो कुछ ऐसा बाहर के साइड से प्रतिमा टाइप का दिखाया हुआ है, और अंदर एंट्री लोगे ना तो काफी भयानक और काफी अच्छा सा सीन लग रहा है अंदर घुसने के साथ ही। और जब नाइट होगी ना तो नाइट में गाइस कुछ अलग ही लेवल का यहाँ पे फीलिंग आएगा, तो यहाँ पे नाइट में ना कुछ अलग ही लेवल का फीलिंग आएगा। बट अभी तो फिलहाल अपन लोग दिन में ही जा रहे हैं, अंधेरा नहीं हुआ, 3-4 बजने को है और अभी अपन लोग इधर के साथ एंट्री ले रखे हैं। तो लाइक आप लोग देख सकते हो अभी भी यहाँ पे पूजा ही चल रही है और यहाँ पे सारे लोग रोड पे क्रॉस करते हैं। तो ये देखो गाइस कुछ ऐसा मूर्ति है भाई, मतलब काफी भयानक और काफी अच्छा सा मूर्ति है गाइस यहाँ का खंडक पर का देख सकते हो गाइस। और ऊपर ऐसा देखो ना तो बीच में एकदम घूमर एक है। फाइनली गाइस अभी अपन लोग आ चुके हैं भैंसासुर कबूर्दीगंज, क्योंकि कबूर्दीगंज दो दो बोल सकते हैं, कबूर्दीगंज मेन पीछे के साइड था और ये भैंसासुर का रूट में, इसलिए इसको भैंसासुर कबूर्दीगंज बोलते हैं। तो यहाँ दुर्गा माता कैसा कबूर्दीगंज भैंसासुर कबूर्दीगंज में कैसा बैठे हैं तो अभी देख सकते हो, बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा दुर्गा माता है यहाँ पे। तो ऊपर लिखा हुआ भी भारत नवयुवक दल, जितना जगह भी बैठे हैं ना दुर्गा माता सब में नवयुवक दल ही लिखा हुआ होता है। और यहाँ पे अपना दुर्गा माता बैठे हुए यहाँ पे राक्षस को मारते हुए, और फिर देख सकते हो गाइस कुछ ऐसा सीन है भाई, मतलब काफी जगह बने रहना गाइस वीडियो में, कई वीडियो कहीं भी स्किप मत करना, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करना गाइस, क्योंकि अभी ना मेन मेन पंडाल अभी बच रहा है वो, और भी बहुत अच्छा जब पंडाल अभी बच रहा है तो बस वीडियो में बने रहना गाइस, यही बोलेंगे आपको। फाइनली भाई अभी अपन लोग आ चुके हैं भैंसासुर, और फिर भैंसासुर का आप लोग देख सकते हो माँ वैष्णो देवी का बिल्कुल जो गुफा है ना बिल्कुल सेम वैसा ही गुफा टाइप का बनाया गया। तो यहाँ से आप लोग पंडाल देख लो ना, पहले तो कुछ इस प्रकार पंडाल है गाइस, बिल्कुल जो वैष्णो माता आप लोग गए होगे ना तो आपको पता होगा कैसा वहाँ पर सीन रहता है, तो वैसा ही बिल्कुल सेम एग्जैक्ट डिटो कॉपी यहाँ पे उतार दिया गया। तो ये भैंसासुर का और पूरा बिहार शरीफ का सबसे टॉप पंडाल यही है गाइस। तो इस यहाँ पे काली माता हमेशा बैठते हैं और फिर यहाँ पे इस बार भी काली माता ही बैठे, आप लोग देख सकते हो कितना विकराल रूप वाला काली माता लग रहा है ना। मैं अभी आपको सामने के साइड से दिखाता हूँ और भी आगे की साइड से जाके, फिलहाल तो अभी दूर से आपको दिखा रहे हैं। तो ये कुछ पंडाल ऐसा है गाइस, यहाँ पे सारे भगवान यहाँ पे आपको दिखेंगे, हर भगवान दिखेंगे, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो उधर के साइड बजरंगबली और इधर के साइड गणेश भगवान, और ऊपर भी राम मिलन हो रहा है, जो भी बजरंगबली और राम जी का मिलन, और फिर वहाँ पे देख सकते हो राम लक्ष्मण सब सारा कुछ। तो ये कुछ ऐसा पंडाल है गाइस जो कि काफ़ी बड़ा और फिर पूरा बिहार से टॉप पंडाल यही हर एक साल रहता है गाइस, इस साल भी यही टॉप पंडाल है। तो कुछ ऐसा है गाइस, अंदर की साइड भी आपको दिखाते हैं, लेकिन अंदर की साइड अभी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है ना इसी कारण से अंदर नहीं जा रहे हैं। तो अभी मैं अभी आपको ना आगे जाके दिखाता हूँ कैसा सीन है इधर का। तो देख सकते हो अभी भाई मतलब रोड जाम हो जाता है यार यहाँ पे देख रहे हो, तो यहाँ से कुछ ऐसा सीन आता आगे की साइड आओगे ना तो भाई मतलब देख लो ये काली माता का, ये देखो भाई कुछ ऐसा सीन आता है। फिर ये काली पूजा समिति, तो ये अपना काली माता है और फिर ऐसा सीन आता है, और यहाँ से देखो सारे लोग पूजा कर रहे हैं, जो भी गोद भराई होता है ना सारा जगह वही भी पूजा चल रहा है। और यहाँ का टिकट भी एंट्री, जो भी अंदर जाओगे ना गुफा घूमने के लिए उनके लिए टिकट लगता है, 50 रुपये का एंट्री है। तो वहाँ से आप लोग इन करोगे, मैं भी आपको दिखाता हूँ कहाँ से इन करना है, फिर लोगे फिर अंदर से आपको वहाँ पर एक टिकट मिलेंगे, वहाँ के साइड देख लो आप वहाँ पे टिकट मिलेगी आपको, अंदर पूरा घूमोगे पूरा पहाड़ का दर्शन लोगे, उसके बाद यहाँ से निकास होगा निकल जाओगे यहाँ से। तो कुछ ऐसा यहाँ का भैंसासुर का सीन है गाइस, जो कि काफ़ी भयानक सा सीन है गाइस, बहुत ही भयानक वाला, अंदर जाओगे ना तो और भी भयानक लगेगा देखने में। तो नाइट का टाइम है, आप में जब लाइव आएंगे ना, आज अपन लोग लाइव आने वाले हैं तो लाइव आएंगे उसमें आप लोग देख लेना, अंदर एंट्री लेंगे उसमें, उसके बाद आपको सारा कुछ दिखाएंगे फुल डिटेल्ड में। अभी हम लोग आ चुके हैं इतवारी बाजार, और फिर इतवारी बाजार का देखो ना तो इस तरफ आप लोग जाओगे ना तो सामने मोगल कुआं चले जाओगे और इस तरफ हॉस्पिटल मोड़ चले जाओगे। तो यहाँ पे सामने एक साथ देख सकते हो ये इतवारी बाजार का पंडाल है दुर्गा माता का, और फिर यहाँ पे पूजा पाठ सब चल रहा है, क्योंकि अभी ना लाइक देख रहे हो कितना अच्छा पंडाल है भाई, तो अभी गीत भी चल रही है प्लस पंडाल काफी अच्छा लग रहा है, खूबसूरत सा लग रहा है। डायरेक्ट सोसराय का दिखाएंगे
उसके बाद आपको सहोखर का दिखाएंगे और भी बहुत ज्यादा दिखाएंगे, तो बस वीडियो में बने रहना गाइस, क्योंकि मेन ना सहोखर का पंडाल ना बच रहा है जो काफी टॉप पंडाल है वहाँ का सिंगार हाट के पास। और फिर यहाँ का पंडाल देखो ना, तो काफी विकराल और काफी भयानक पंडाल लग रहा है। तो अभी मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ गाड़ी से उतर के। तो गाइस ये अपना सिंगार हाट का पंडाल है, लाइक ऊपर के साथ देखो ना तो काफी बड़ा है। और सामने एक साथ दुर्गा माता बैठे हुए यहाँ पे, और यहाँ पे सारे अभी पूजा पाठ कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ ऐसा पंडाल बना गाइस, आप लोग देख सकते हो। तो ये पंडाल मेरे को पता नहीं था यार, इतना अच्छा पंडाल है, बहुत ही बड़ा पंडाल है। हालांकि लोग जलालपुर आ चुके हैं, और जलालपुर का ये पंडाल देख सकते हो गाइस, कितना पहाड़ टाइप का दिख रहा है और अंदर गुफा टाइप का है। तो अभी इस गुफा के अंदर चलते और फिर आपको दुर्गा माता का पंडाल दिखाते हैं अंदर के साइड, और फिर दुर्गा माता का मूर्ति भी दिखाते हैं गाइस। तो यहाँ से जाने का रास्ता है, तो अभी चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से कुछ इस प्रकार एंट्री है, लाइक अंदर आओगे ना तो भाई एकदम चट्टान चट्टान टाइप का देख रहे हो, एकदम गुफा टाइप का ऐसा दिखेगा। तो यहाँ से अंदर आओगे ना तो हर जगह आपको एक भगवान जी मिलेंगे, लाइक यहाँ पे एक बजरंगबली का है, और फिर अंदर आओगे तो और भी भगवान मिलेंगे। प्लस ये देख रहे हो गुफा कैसा लाल लाल सा लग रहा है, और नीचे की साइड देखो ना तो एकदम जैसे लगता है ना पहाड़ पर चढ़ रहा है ना, बिल्कुल वैसा ही सीन दिया हुआ है। और चारों तरफ ना ठंडा होने के लिए भाई कूलर चला के रखे हैं। और फिर यहाँ का सीन देखो, जैसा नहीं हॉरर वाला में होता है ना वैसा ही सीन होता है। प्लस पहाड़ का कोई गुफा में जाओगे ना तो वैसा ही सीन आपको दिखेगा। प्लस यहाँ पे देखो चप्पल रखा हुआ है, राम जी का ऐसा निशानी है। और फिर यहाँ के साइड अंदर आओगे ना तो यहाँ भी देखो गाइस सारा ऐसा कुछ सीन आता है। और फिर यहाँ से और भी अंदर जाते जाओ भाई, एकदम लगता है ना जंगल टाइप का इधर आ चुके हैं। और फिर वहाँ से अपना एग्जिट होता है, वहाँ से आप लोग बाहर निकल सकते हो। और फिर यहाँ का सीन देखो ना तो गाइस कुछ ऐसा सीन है, लाइक चारों तरफ भगवान और फिर अंदर देखो दुर्गा माता का, गाइस कुछ ऐसा इस अंदर के साइड माहौल है गाइस। तो अभी अपन लोग आ चुके हैं जलालपुर, और जलालपुर का अंदर यहाँ पे दुर्गा माता बैठे ना वहीं पे बिल्कुल ही आ चुके हैं। तो और अभी अपन लोग ना यहाँ से निकलते, ये वाले पंडाल ना मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगे। अभी अपन लोग आ चुके हैं सहोखर, और फिर सहोखर का पंडाल देखने से पहले ना यहाँ का रास्ता देखो गाइस कैसा, मतलब दो लाइन में डिवाइड हो रखा है। और फिर यहाँ का पंडाल ना काफी अलग सा बना है इस बार, लाइक आप लोग देख सकते हो शिवलिंग का बना है, आधा शिवलिंग जैसा होता है ना सेम उसी के जैसा एकदम पंडाल बना है। ऊपर के साइड देख सकते हो और शंकर जी ऊपर विराजमान है, और लिखा हुआ श्री भारतीय दुर्गा पूजा समिति सहोखर। तो ये कुछ ऐसा है, अंदर के साइड देखो ना तो अभी सारे लोग पूजा कर रहे हैं, बट फिर भी आपको अंदर के साइड जाके दिखाते हैं भाई। ये पंडाल ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रहा है, मैंने ऐसा पंडाल नहीं देखा था शिवलिंग के ऐसा, लेकिन फर्स्ट टाइम ये देखा मैंने। और फिर अंदर आओ ना तो देखो ये पूजा कैसे हो रहा है, और फिर ये अंदर के साइड का फोटो है गाइस, मतलब सीन है कुछ ऐसा, ये दुर्गा माता है और सारे पूजा पाठ कर रहे हैं। और ये अपना सहोखर का सीन है गाइस, तो यहाँ से आप लोग चारों तरफ देख सकते हो कुछ ऐसा सीन है। बाहर की साइड देखो ना तो ये नंदी जी हैं, एक बार मैंने आया था यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए, तो यहाँ पे नंदी जी को ना शिफ्ट किया जा रहा था उस टाइम का, ये नंदी जी हैं उसी टाइम शिफ्ट हुए थे। और यहाँ से महिला का एंट्री, और उस साइड से ताल लग रहा है बहुत अच्छा। यहाँ से देख रहे हो जैसा शिवलिंग में होते हैं ना पानी ढारो फिर एक साइड से गिरते हैं, वैसा ही इस तरह से गिरने टाइप का ऐसा बना हुआ सिंबल, काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी कुछ अलग यहाँ पे सहोकर करने का कोशिश किया था, और फिर अलग कर भी दिया सहोकर गाइस। सब पंडाल से अलग पंडाल है अपना शिवलिंग का पंडाल। तो ऊपर के साइड देखो ना तो काफ़ी अच्छा सा लगता है, ऊपर के साइड एकदम फूल फूल से सजाया हुआ, बीच में शंकर भगवान है, उसके बाद उनके नीचे फूल फूल, और फिर नीचे के साइड ब्लैक का एकदम दिया हुआ, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक दे रहा है। और फिर मेरे को तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ गाइस कमेंट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। लेगा जब भी आ चुके अपन लोग अड्डा पर, और फिर अड्डा पर का देख सकते हो पंडाल कुछ ऐसा लग रहा है मेरे को। अपन लोग पिछला वाला जो था ना उसको सोचते अड्डा पर, लेकिन ये मेनली अड्डा पर के नाम से ये वाली पंडाल है। तो ये वाली पंडाल ना काफ़ी बाहर से काफ़ी अच्छा लग रहा है, गोल्डन टाइप का बाहर से दिया हुआ। प्लस ये जंगल वाला, ये देखो गोरिल्ला जो कि फोटो ले रहा है मस्त वाला सेल्फी ले रहा। और फिर यहाँ से आप लोग एंट्री लोगे ना तो कुछ ऐसा सीन आता है, ऊपर के साइड आप लोग देख सकते हो श्री राष्ट्रीय दुर्गा पूजा समिति सोसराय अड्डा पर, तो ऐसा सीन है। प्लस अंदर की साइड आए हुए तो एकदम हरा हरा सा एकदम कुछ, यहाँ पे कुछ और चीज़ से बनाए हुए शायद। तो यहाँ पे अंदर आओगे ना तो कुछ ऐसा आपको दुर्गा माता दिखेंगे गाइस, मतलब हैंडवर्क टोटल जो भी कुछ सामान से ही बनाया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो कुछ ऐसा आर्ट है, आर्ट वाई आर्ट्स क्या है पूरब सराय मुंगेर से, मुंगेर का यहाँ भी आएगा इस बनाने के लिए। अड्डा पर का ये है पंडाल, तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ सो सराय का, उसके बाद मेन पंडाल आपको दिखाएंगे गाइस। तो फिलहाल अभी अड्डा पर का, उसके बाद सोसराय दिखाएंगे, उसके बाद लास्ट पंडाल दिखाएंगे। तो लास्ट पंडाल ना देखना बिल्कुल मत भूलना गाइस, क्योंकि वो वाली ना काफ़ी यूनिक पंडाल होने वाला है। तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहना वीडियो में, इतना तक बने हो तो लास्ट तक प्लीज़ गाइस बने हुए रहना। तो अभी यहाँ पे चलते हैं डायरेक्ट सोसराय, फिर आपसे मिलते हैं डायरेक्ट लास्ट पंडाल की तरफ गाइस। गौर करा है यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ गाइस, वहाँ पे आप लोग, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये प्रतिमा मूंग की प्रतिमा है, मतलब मूंग की
मूंग वो दाल होता है ना, जो मूंग हरा हरा होता है मूंग का, तो ये मूंग होता है ना हरा हरा, वो वाली मूंग से सारा जो भी बना हुआ ना प्रतिमा, सारा मूंग जो होता है ना हरा वाला, उससे बना हुआ है, जिसका दाल हम लोग खाते हैं मूंग का दाल, उससे बना हुआ है सारा। दुर्गा माता और कार्तिकेय गणेश भगवान है ना, सारा का जो भी मूर्ति बना हुआ ना सारा मूंग से बना हुआ, और फिर जो बनाया है ना वो पूरब सराय मुंगेर के रहने वाले हैं, उन्होंने ही बनाया है। तो भाई ये पंडाल बनाने, मतलब सोच सकते होगा जी मूर्ति बनाने में कितना मेहनत लगा होगा उनका, कितना आर्ट लगा होगा, तब जाके ये सिर्फ मूंग से बना है ये वाली। तो आप लोग सोच सकते हो कितना मेहनत लगता है गाइज एक मूंग से बनाने में, और कितना मूंग लगा होगा वो भी आप सोच सकते हो गाइज। और फिर गाइज अभी अपन लोग सोसरा आ चुके हैं, आशा नगर, जो कि जिसको अपन लोग पकड़ी पर भी बोलते हैं, वहां पे आ चुके हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था, बट आज सुबह का वीडियो भी दिखा देते हैं। इसके बाद जो वीडियो होने वाली है ना गाइज, वो अब तक का सबसे बड़ा और फिर सबसे अलग पंडाल दिखाने वाले, तो वो वाली पंडाल, लास्ट वाली पंडाल को बिल्कुल भी मिस मत करना गाइज, क्योंकि वो जंगल का पंडाल होने वाला है। तो चलो अभी इस पंडाल को दिखाते, पहले सोसरा का पंडाल। तो अंदर के साइड जाओगे ना तो कुछ ऐसा सीन आएगा, लाइक अभी अपन लोग अंदर के साइड जाते और फिर आपको दिखाते हैं गाइज। बाहर का तरफ से ना आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, और दिन के टाइम में अंदर आओगे ना तो कुछ ऐसा मिलेगा गाइज, लाइक लाइटनिंग सुबह के टाइम भी जलती है, लाइक देख सकते हो। इधर से तो मैंने आपको रात में ही दिखा दिया था, जिसमें टॉप 5 पंडाल बनाए थे ना वो वाली दिखा दिए थे। तो अभी सुबह के टाइम देखो इधर भी गुद भराई हो रहा है, जो भी मेरे को बोलना नहीं आता। तो ये देखो अपना दुर्गा माता, प्लस अंदर के साइड सारे लोग जाके सेल्फी ये सब लेते हैं, और यहाँ पे पूजा पाठ हो रहा है अभी देख सकते हो। तो ये अपना सोसरा है, आशा नगर का ये पंडाल है, और कुछ ऐसा सीन है। प्लस ऊपर के साइड देखो ना तो कुछ और भी अलग सा सीन आता है, लाइक देख सकते हो कुछ ऐसा वाला। तो ऐसा ही कुछ सीन है गाइस अपना यहाँ का पंडाल का। तो अभी यहाँ से निकलते हैं और फिर आपको एक और मस्त वाला पंडाल दिखाते हैं, जो कि खुद में ही बहुत ज्यादा यूनिक पंडाल है। तो अभी आ चुके हैं अड्डा पर, ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन यहाँ का रियल लोकेशन बोलो ना तो ये सोहडी हनुमान स्थान, पंडित गली बोलते हैं, वहाँ पे ये अपना जंगल वाले जो है ना दुर्गा माता का पंडाल, वो यहाँ पे बने हैं। तो यहाँ से आप लोग एंट्री ले सकते हो, तो कुछ ऐसा नजारा आपको दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेंगे आपको। और अंदर अंदर है ना, तो ये देख रहे हो मधुमक्खी है सब, और फिर ये मधुमक्खी उनका छत्ता है, सब सारा कुछ दर्शाया गया, बहुत ही डिटेल्ड में दर्शाया गया है। और फिर यहाँ से जैसे जैसे अंदर जाओगे ना वैसे वैसे आपको बहुत कुछ दिखेगा, है ना, इस तरफ। अच्छा, तो इधर से अंदर आओगे ना तो भाई ऐसा ऐसा कुछ दिखते हैं। और फिर यहाँ से जैसे जैसे जा रहे हैं ना, जिधर जिधर बना हुआ ना उधर उधर आप लोग एंट्री ले सकते हो। तो यहाँ पे गाइस मतलब ये अपना दुर्गा माता है। अच्छा, ये देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कुछ ऐसा है, मेरे साथ पांडे जी साथ में चल रहे हैं, और फिर यहाँ पे देख सकते हो गाइस मतलब कैसा जंगल है। मतलब देख रहे हो भाई, ये ना पूरा मेरे को लगता है ना पूरा बिहार शरीफ का सबसे टॉप पंडाल यही है, क्योंकि मैं भैंसासुर सोच रहा था, लेकिन जितना बनाने में ये वाला पंडाल को मेहनत लगा होगा ना भैंसासुर में। कलकत्ता से आए सारे लोग कलकत्ता से आए, पांडे जी बता रहे हैं सारे लोग कलकत्ता से आए बनाने के लिए। और फिर यहाँ पे देख सकते हो गाइस कितना अच्छा तरीके से बनाया हुआ है पंडाल, देख रहे हो ये कुछ ऐसा बना। और फिर यहाँ पे अपना दुर्गा माता है सामने के साइड, देख रहे हो भाई, मतलब मुंगेर का मिस्त्री मूर्ति वाला मुंगेर से। हाँ। और बाकी जो पंडाल बना कोलकाता से, कलकत्ता का सब कलकत्ता का। सो गाइस देख रहे हो ना, कलकत्ता से वर्कर्स आए पंडाल बनाने के लिए, और मुंगेर से जो भी आए ना वो मूर्ति बनाए, मुंगेर के लोग जो मूर्ति बनाए ना वो मुंगेर से आए बनाने के लिए, और फिर पंडाल जो बनाना वो कोलकाता से, वहाँ से वर्कर्स आए थे जो कि पंडाल बनाए हैं। तो कुछ सीन कुछ ऐसा आता है, तो आप लोग देख सकते हो बहुत ही टॉप लेवल का ये पंडाल है गाइस, कुछ अलग ही है। तो ये अपना ये पंडाल है, अभी आपको एक और पंडाल दिखाना बच रहा है, वो भी आपको कुछ ही टाइम में दिखाने वाले हैं, उसके बाद आप लोग डिसाइड करना कौन सा टॉप पंडाल है।